आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, मेंशन द कॉमन बैक्टीरियम फाउंड इन द अनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो इन द रूमेन ऑफ कैटल। हाउ इज दिस बैक्टीरियम कमर्शियली यूजफुल? तो ये बैक्टीरियम जो प्रेजेंट है अनएरोबिक स्लज में ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट में, और इसी के साथ ये कैटल के रोमेन में भी प्रेजेंट होता है, तो ये कमर्शियली कैसे यूजफुल होगा ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा, कैटल्स के गट में, यानी यहाँ पे जो पार्ट है रुमेन में, तो ये प्रेजेंट होंगे मिथेनोजेंस, और ये अनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि कैटल के गट में भी प्रेजेंट होंगे, और इसी के साथ ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनएरोबिक स्लज में, और ये स्लज प्रेजेंट होता है इन सीवेज के ट्रीटमेंट में ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए, कैटल में अगर इसका यूज हमें बताना है, तो कैटल के गट में जो सेल्यूलोज है उसका डाइजेशन करना, और पता है हमें कि सेल्यूलोज ये पॉलीसैकेराइड है, तो इसका कन्वर्जन ग्लूकोज में करना, जो कि एनर्जी के लिए, यानी कि हमारे बॉडी में एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से एनर्जी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। रही बात कमर्शियली यूजफुल, जैसे इन्होंने बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट ये सबसे ज़्यादा कमर्शियल इसका यूज़ है, क्योंकि हमें पता है मेट्रो सिटीज़ में लाखों टन इतना सीवेज जो है वो बनता है, या अगर लिक्विड फॉर्म में लाखों लीटर इतना सीवेज बनेगा, और ये सीवेज में जब एरोबिक ट्रीटमेंट होने के बाद जो पीछे स्लज बचता है, इसका अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने के बाद ये मिथेनोजेंस बनाएंगे, इससे मीथेन गैस, और ये मीथेन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए ये मिथेनोजेंस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें मीथेन बनेगा, जिसे हम बायोगैस भी बोलते हैं। तो इस तरह से बायोगैस प्रोडक्शन में मिथेनोजन का कमर्शियल रोल है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।